जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। इस बार महाराष्ट्र झारखंड का चुनाव जो है कुछ अलग प्रकार का चुनाव हो रहा है। अब ये चुनाव इस बात पे नहीं हो रहा है कि देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ गई है, देश के अंदर हंगर इंडेक्स के अंदर हमारी पोजीशन बहुत खराब है, महिला न्यूट्रिशन की पोजीशन बहुत खराब है, देश के अंदर सारा का सारा धन संपत्ति अडानी जी को दिया जा रहा है और गरीब लोग जो हैं उन्हें कोई अधिकार नहीं मिल रहा, किसानों को MSP नहीं मिल रही, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, किसानों को DAP और यूरिया नहीं मिल रहा। अब इस बार चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर बड़ा कुशलता पूर्वक भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया इसको मुख्य मुद्दों से हटाकर इसको एक ऐसे मुद्दे की तरफ ले जाए जिससे कि जनता का ध्यान बढ़ जाए। प्रयास तो उनका यह था कि जनता का ध्यान अपने मुख्य मुद्दों से हट जाएगा और सारा का सारा चुनाव जो है हिंदू मुसलमान हो जाएगा, जो एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें उनकी विशेषज्ञता है और अपोजिशन इसके अंदर घुस के खेल पाएगा नहीं, इसलिए वो हार जाएगा और हमारी पिच में आ जाए, हिंदू मुसलमान की पिच पे आ जाए, फिर हम विपक्षियों को परास्त कर देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी। योगी आदित्यनाथ ने आके हरियाणा के चुनाव में कहा बटेंगे तो कटेंगे, फिर उसके बाद हसबोले साहब जो RSS के हैं उन्होंने कहा, फिर गिरिराज सिंह ने कहा, तो भारतीय जनता पार्टी ने हर क्वार्टर से ये मैसेज दे दिया कि हमारे जो चुनावी रणनीति की पतवार है वो बटेंगे तो कटेंगे रहेगी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही थी कि अपोजिशन तो डेयर करेगा नहीं, वो तो हिम्मत करेगा नहीं इस पिच पे आके खेलने की, इसे बच के भागने की कोशिश करेगा और हिंदू मुसलमान का नैरेटिव हम बना देंगे और मुसलमानों के खिलाफ जो हमने जहर की खेती हुई है, सिखों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, क्रिश्चियनों के खिलाफ हुई है, वो लहलाई की हम राजनीतिक फसल काटेंगे। लेकिन यहां तो खेल उल्टा पड़ गया, अब तो उनके लिए ही परेशानी क्रिएट हो गई। अब उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव ने 2027 की तैयारी करते हुए वहां बैनर्स लग गए, ना बटेंगे ना कटेंगे, और PDA ना बटेगा ना PDA कटेगा, हम तो एकजुट रहेंगे, हम तो एकजुट होकर ये जो सामंतवादी शक्तियां हैं, जो लोकतंत्र को खत्म करने वाली एक तंत्रवादी अधिनायकवादी फासिस्ट ताकतें हैं, हम तो इनको हराएंगे। तो अखिलेश यादव ने उन्हीं के पीछे जाके खेलने का निर्णय ले लिया। अच्छा, उधर जो उनके चाचा जी हैं शिवपाल सिंह यादव, उन्होंने भी खुलेआम कह दिया कि न PDA बटेगा न कटेगा, और जो इस तरह की बात करेगा, हमें बांटने का प्रयास करेगा, वो पिटेगा। अब पिटेगा क्या क्या मतलब है, लोकतांत्रिक रूप से या लोकतांत्रिक रूप से, वो तो खैर शिवपाल सिंह यादव जी बताएंगे। एक बार हुआ क्या कि राजनारायण जो बड़े अच्छे समाजवादी नेता थे, इंदिरा जी को जिन्होंने चुनाव हराया था रायबरेली से, एक बार क्या हुआ, उन्हें गुस्सा किया, भीड़ में एक आदमी को थप्पड़ मार दिया, तो लोगों ने कहा कि साहब जनरल जी आपने क्या किया, ये तो आपने थप्पड़ मार दिया, ये तो हिंसा है, ये तो अहिंसा नहीं है, ये तो महात्मा गांधी के सिद्धांत नहीं है। तो राजनारायण जी ने कहा था ये जो थप्पड़ है ये अहिंसात्मक थप्पड़ है, ये हिंसात्मक थप्पड़ नहीं। तो उसी प्रकार का लेकिन उन्होंने अब कन्फ्रंट करके ये कहा कि तुम हिंदुओं के बांटने की बात कर रहे हो और जो दबे कुचले पीड़ित लोग हैं उनको इस आधार पे बांट रहे हो कि धार्मिक आधार पे बढ़ जाए और तुम्हारे राजनीतिक मंसूबे पूरे हो जाएंगे। तो शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्होंने अभी जो 9 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उसके लिए और 2027 में जो बड़े विधानसभा चुनाव होने के लिए उन्होंने ललकार दिया है कि आओ इसी पिच पे खेलते हैं और इसी पिच पे तुम्हें हरा के दिखाएंगे। अच्छा, सवाल यह है कि बटेंगे तो कटेंगे ये किसके लिए नारा? अच्छा, हो रही है चर्चा, हो रही है परिचर्चा, हो रही है YouTube चैनल्स पे हो रही है, सब लोग ये कह रहे हैं बटेंगे कटेंगे, मतलब ये कहा भी, ये तो खुलेआम कहा गया RSS वालों से भी, भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहा, पहले तो जरा छिपा के कहते थे नहीं नहीं हम तो हिंदुस्तान के सारे हिंदुस्तानियों के लिए कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, अब वो खुलेआम कह रहे लगे नहीं हिंदुओं की अब बात कर रहे हैं, हिंदू बटोगे तो कटोगे, बाकी मुसलमान क्रिश्चियन सिख ईसाई से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल हिंदुओं से मतलब। और इस पे चर्चा परिचर्चा हो रही थी, लेकिन अब जो मैंने विश्लेषण किया तो मुझे ये पता चला कि वो वास्तविकता में ये जो नारा दे रहे हैं बटोगे तो कटोगे, इसका मुख्य मतलब ये है कि 4 लोगों ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, एक हमारे प्रधान सेवक महोदय के लिए माननीय यशस्वी, दूसरे उनके नंबर 2 यशस्वी गुजरातवासी, नंबर 1 भी गुजरातवासी, इसके अलावा माधवीपुरी बुच महोदया,
जो सेबी की चेयरपर्सन है, और जो डोवल साहब है जो मुख्य हमारे रणनीतिकार है विदेश नीति के, और कहां किसको क्या करवाना है, किसको उठवाना है, किसको फेंकवाना है, वो निर्णय लिया करते हैं। तो इन लोगों का एक मैसेज है, एक दूसरे के लिए मैसेज है वादी पूरी बुश के लिए कि हम आपकी रक्षा करेंगे, पीएससी के सामने मत आइए, आप फिक्की की मीटिंग में चले जाइए, आपको पीएससी का जो संसदीय समिति है उसका ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, उसके बाद डोवल साहब पे आप जानते ही हैं कि अमेरिका के अंदर वहां की एक कोर्ट ने सम्मन इशू कर दिया है जिसमें अमित शाह जी का संदर्भ है, उनका नाम नहीं है केस में, लेकिन नाम जो है वो डोवल साहब का है, और भी लोगों का नाम है, कई लोगों का एकाध गिरफ्तार हो भी गए हैं, बाकी हो भी जाएंगे। लेकिन ये अब पहली बार ऐसी स्थिति हुई है कि हमारे जो चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर है उन्हीं का नाम वहां कोर्ट सम्मन दे रहा है, जबकि हम समझते थे कि अमेरिका चीन के खिलाफ जो युद्ध होने वाला है और जो हमारा संघर्ष रहता है उसकी अमेरिका हमारा साथ देगा, इसीलिए अमेरिका और फ्रांस और स्वीडन और यूरोप से हम लोग अस्त्र शस्त्र खरीदा करते थे चीन से लड़ने के लिए, खरीद तो हमने लिया और अब हमने दोस्ती कर ली चीन से, तो हमें यही समझा कि बटोगे तो कटोगे किसके लिए कहा गया है। अच्छा, महाराष्ट्र के अंदर इस चीज को बहुत ब्यूटीफुली शरद पवार ने उठा दिया, और अब वहां का जो एग्रेसिव पूरा का पूरा प्रचार प्रसार है महाविकास अघाड़ी का, वो केवल इसी आधार पे हो गया है कि बटोगे तो कटोगे। वो कह रहे हैं कि टाटा पे प्रेशर बनाया गया मोदी जी द्वारा, अब ये जो एयरक्राफ्ट बनने का नई फैक्ट्री का उद्घाटन उन्होंने किया गुजरात के अंदर, ये पहले तो महाराष्ट्र के अंदर आनी थी, जो वेदांता ग्रुप की सेमी कंडक्टर की यूनिट आने वाली थी वो तो महाराष्ट्र के अंदर आने वाली थी, ये सेमी कंडक्टर यूनिट को भी गुजरात के अंदर ले गए, ये जो एयरक्राफ्ट बनाने की यूनिट है इसको भी गुजरात ले गए, जो हक था महाराष्ट्र का, जो वहां पे डायमंड इंडस्ट्री थी उसको भी ले गए, वहां का भी जो हेडक्वार्टर डायमंड इंडस्ट्री का था उसको भी वहां पे गुजरात के अंदर, तो मतलब हर इंडस्ट्री को गुजरात के अंदर ले जाएंगे। तो महाराष्ट्र के लिए शरद पवार उद्धव ठाकरे का मैसेज ये है, बटोगे तो कटोगे, मतलब अगर महाराष्ट्रवासी तुम आपस में बटे तो ये तो पड़ोसी राज्य गुजरात वाले सारी तुम्हारी संपत्ति धन संपदा लूट के ले जाएंगे, सारी इंडस्ट्री अपने यहां लगा लेंगे, और यहाँ पे जो धरावी के प्रोजेक्ट और जितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे, एयरपोर्ट तो दे ही दिए, बंदरगाह तो दे ही दिए, रेलवे स्टेशन तो दे ही दिए, पीएसयू तो दे ही दिए, नौकरियां खत्म हो गई, और उसके बाद अगर तुम कटोगे तो कटोगे, ना केवल फिजिकली कटोगे बल्कि आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भी कटोगे। तो ये जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था अपने को हिंदू मुसलमान नैरेटिव को क्रिएट करने के लिए, इसको अखिलेश यादव ने परिवर्तित कर दिया, शिवपाल सिंह यादव ने, पीडीए बनाम नॉन पीडीए में जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो उसी पिच पे आगे खेल गए। उद्धव ठाकरे शरद पवार ने वहां पे इसको बना दिया महाराष्ट्र बटोगे तो कटोगे और गुजरात लॉबी के खिलाफ। अच्छा, जो तीन नाम तो इसमें ऐसी है, माधवी पूरी बुछ हो गए, प्रधान सेवक महोदय हो गए, उनके नंबर दो के हो गए, डोवल साहब को छोड़ के चार में से तीन लोग ऐसे हैं जो गुजरात के रहने वाले हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर इस समय जो पूरा का पूरा राजनीतिक रणनीति बनाई गई है, जो चक्रव्यूह बनाया गया है, वो इसी प्रकार पे हो रहा है कि बटोगे तो कटोगे का मतलब ये है कि अगर मराठी लोग बटे, महाराष्ट्र के रहने वाले बटे, और आपने तो जो वहां के मराठा थे, जो महाराष्ट्रियन थे, उन्हीं को बांट दिया, गुजरातियों को तो बांटा नहीं भाई। शरद जो शरद पवार है वो भी मराठा है, मराठी हैं, महाराष्ट्र के हैं, अजीत पवार भी मराठी हैं, उनको बांट दिया आपने, परिवार को तोड़ दिया। जो उद्धव ठाकरे हैं वो भी मराठी हैं, एकनाथ शिंदे भी मराठी हैं, उनकी पार्टी को तोड़ दिया, वहां भी आपने मराठियों को तोड़ दिया, गुजरात में तो ऐसा आप करते नहीं भाई। अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे पिछले 10 साल के अंदर, अगर हर स्टेट के अंदर इनकम टैक्स ईडी सीबीआई की रेड हुई है, गुजरात के अंदर ईडी सीबीआई की रेड होते आपने नहीं सुना होगा, जबकि वहां भी अपोजिशन है, वहां भी कांग्रेस है, वहां भी आम आदमी पार्टी है, लेकिन वो वहां पे पार्टी के ऊपर उठ जाते हैं, वहां पे केवल ये है कि भैया गुजराती को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसी वजह से बता रहे हैं कि जितने भी करोड़पति सबसे रईस लोग हिंदुस्तान के अंदर हैं उसके अंदर 90% लोग गुजरात के हैं, क्योंकि गुजरात के लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट है। और बाकी अच्छा, इसका बाकी लोग तो समझ नहीं पाते, उत्तर प्रदेश बिहार वाले तो अपना डीजे और नाच गाने में ही मस्त रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र क्योंकि एक विकसित राज्य है और वहां के लोग प्रबुद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं, और वहां का जो दलित चेतना है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है,
अमिडग्राइट मूवमेंट वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो वहां प्रबुद्ध नेता होने की वजह से वो ये बात को आज बड़े तेज शेज से, और अगले आप देखिएगा 25 दिन जब ये कन्वेंसिंग होगी उसके अंदर जो उनका मुख्य प्रोपेगेंडा होगा वो यही होगा कि मराठियों अगर तुम बटे तो कटे और सारा कुछ गुजरात वाले ले जाएंगे। तो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के अंदर उनके पिच में जाके खेलकर उनको परास्त करने का निर्णय ले लिया है, और महाराष्ट्र के अंदर भी देखिएगा अगले 15-20 दिन के अंदर पूरा का पूरा महाविकास आघाड़ी का जो प्रचार प्रसार होगा वो इसी मुख्य मुद्दे पे होगा कि गुजराती महाराष्ट्र की इंडस्ट्री को, यहाँ के अमन चैन को, हर चीज को ले जाने का प्रयास करें। बल्कि एक और चीज देखिए, पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई के बीच का जो संवाद आ रहा है और ये सारे चैनल्स में दिखाया जा रहा है, मतलब देश की कहते हैं कि साहब देश की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। अब ये देश की कानून व्यवस्था अच्छे होने का लक्षण है क्या कि एक व्यक्ति जिसका नाम विदेश के अंदर भी लिया जा रहा है कुख्यात रूप में, और जो गुजरात अहमदाबाद की जेल के अंदर बंद है, जेल के अंदर जैमर्स लगने होने के बावजूद वो वीडियो कॉल लेता है, और एक 6 बार के इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बिहार का सपूत है उसको खुलेआम धमकी दे रहे हैं, वो जेड प्लस सिक्योरिटी मांग रहा है, उसको सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, वो कह रहा है कि हमें मार दिया जाएगा, हम तो मर जाएंगे। अगर यही कोई सत्ता पक्ष का व्यक्ति होता, चाहे कोई सजा याफ्ता होता या कोई ऐसा व्यक्ति होता जिसे रेप के आरोप लगे हो, उसको जेड प्लस सिक्योरिटी मिल जाती, हमें तो सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, इसका ना अपोजिशन वाले मार दिए जाएंगे। और अच्छा, ये कानून व्यवस्था की स्थिति है, एक व्यक्ति जो है आम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को धमकी दे रहा है, तो ये जो पूरी परिस्थिति बन रही है उसे मुझे ऐसा लगता है कि जो कटोगे कटोगे वाला जो नारा है ये उल्टा पड़ गया है, और इसका भारतीय जनता पार्टी को महाराज झारखंड के चुनाव में बहुत ज्यादा फल भुगतना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है, राजीव अग्रवाल साहब कितनी मदद कर पाते हैं, कितनी हेर फेर करवाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो पिच पे खेलने का इन्होंने निर्णय लिया था उसी पिच पे जाके अपोजिशन खेल रही है, और मुझे लगता है कि वो हरा देगी। नमस्कार, धन्यवाद, अपना